आग लगी दिल में जब वो खफा हुए, एहसास हुआ तब जब वो जुदा हुए, करके वफा वो हमें कुछ दे ना सके, लेकिन दे गए बहुत कुछ जब वो वफा हुए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज को अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो कैसे आप कोई भी चीज़ को अगर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है तो कैसे व्हाट्सएप आपको पढ़ के सुनाएगा, उसी ट्रिक पर बात करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई ये सेटिंग जो है मेरे फ़ोन में काम नहीं कर रहा है, तो मैं बताने वाला हूँ कि जो जिसका भी एंड्रॉयड फ़ोन होगा उस फोन में ये सेटिंग 110% काम करेगा, हर किसी के फ़ोन में काम करने वाला है, जो कि काफ़ी कमाल का होने वाला है। कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तो व्हाट्सएप खुद आपको बताएगा कि भाई आपका मैसेज आया है, इस ये मैसेज है, इतना टाइमिंग में आया है या फिर फोटो आया है। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सब तो फ्रेंड, सबसे पहले करना है क्या, आपको चले जाना अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे 2S डालना है। 2S डालने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब यहीं से वीडियो आप छोड़ देंगे और जाकर अपने से सेटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सेटिंग है बहुत ही क्रिटिकल है और आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो इस टाइप का होम पेज बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे। अब आएगा यहाँ पे, देख सकते हैं कि स्पीच वॉइस का ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा कि किस लैंग्वेज में आप सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। किस लैंग्वेज में आप कि जो भी आप स्पीच को वॉइस करोगे मैसेज आएगा उसको किस लैंग्वेज में आपको सुनना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ओपन करके आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद इंडियन हिंदी लैंग्वेज है ना, ये मेन है। अगर इसमें इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप मैसेज सुनोगे, ठीक है ना, व्हाट्सएप जो भी बताएगा फीमेल वॉइस में सुनना है या मेल वॉइस में, ठीक है। अगर आप फीमेल पर इंडियन वॉइस में सुनना चाहते हैं तो फीमेल पर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल वॉइस सुनना चाहते हैं तो मेल वॉइस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं फीमेल पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। नीचे में यहाँ पे मिल जाएगा कॉपी टू स्पीक का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे टैप टू परमिशन पर दे देना है अलाउ। उसके बाद यहाँ पे अदर एप्स का भी यहाँ पे इनेबल कर देना है और बैक कर देना है। बैक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑफ, इस कॉपी टू स्पीक का जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऑफ मिलेगा, तो इसको सिंपली इस पर क्लिक करके इनेबल कर देना है। और ये दोनों URL कॉपी टेक्स्ट कॉपी है, यहाँ से ये इनेबल रहेगा, ठीक है। इसको दोनों को आपको इनेबल रखना है। आपको फिर चले जाना है बैक। उसके बाद फ्रेंड करना क्या है, यहाँ पे नीचे में आएंगे फ्लोटिंग कंट्रोल विंडोज़ का जो ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है सिंपली, ठीक है ना। और यहाँ पे दिखा देगा कि कैसे जो इसका फ्लोटिंग कंट्रोल विंडोज़ का जो लोगो होगा आपको कैसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइप का दिखना चाहिए। तो यहाँ पे इसको इनेबल कर लेंगे। और उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे इसको भी इनेबल कर लेना है। उसके बाद करना क्या है, इसको बैक चले जाना है, ठीक है। बैक जाएंगे और बैक चले जाएंगे। अब ये इसका जो फ़ोन, इस एप्लीकेशन का जो सेटिंग था ये कंप्लीट हो चुका है। अब जाना है अपने व्हाट्सएप में। आ गए हैं व्हाट्सएप में फ्रेंड। अब फ्रेंड में व्हाट्सएप में आने के बाद ये जो एप्लीकेशन है हर फोन में काम करने वाला है। अब सपोज कीजिए कोई भी मैसेज को सुनना है तो सिंपली करना क्या है, उस मैसेज को आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पर थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी जैसे करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे एक आपको पॉपअप होना स्टार्ट हो जाएगा विंडोज़ में। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और जैसे सिंपली क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो इस टाइप का आपके पास पॉपअप लोगो बन के आ जाएगा। उसके पास जैसे यहाँ वॉल्यूम साउंड कर लेंगे, जैसे प्ले करेंगे तो ये हमारा जो यहाँ पे मैसेज जो सिलेक्ट किया था वो बोलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। जैसे फीमेल वॉइस में हमने सिलेक्ट किया था, तो आप सुनते हैं। जैसे सुन लीजिए यहाँ पे, हमारी बात होती है वो हजारों रातों में, वो एक रात होती है जब निगाहें उठाकर देखते हैं वो मेरी तरफ, तब वो ही पल मेरे लिए पूरी कायनात होती है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप कोई भी मैसेज को आसानी से पढ़ सकते हो, किसी भी फोन में ये ट्रिक काम करेगा। क्योंकि पहला वाला जो ट्रिक बताया था उसका जो सेटिंग था बहुत कम लोगों में दिया था, और फ्रेंड जो ये सेटिंग है ये हर फोन में काम करने वाला। तो फ्रेंड कैसा लगा ये ट्रिक आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट आपको मिलता रहे।